कोरोना वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई से लेकर हर छोटी छोटी आदतें भी सही रखना जरूरी है, वरना आप में संक्रमण का खतरा फैल सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप कोरोना वायरस से बचकर रहना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दें। नंबर एक, नाखून चबाना। कई डेंटल सर्जन का कहना है कि नाखून के अंदर सभी प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं। बिना धोए हाथों को सीधे मुंह में डालने से बैक्टीरिया आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर दो, मुहासों को फोड़ना। अगर आपको मुहासों की समस्या है तो स्क्रीन ट्रीटमेंट लेने के लिए आप इस समय पार्लर नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका इलाज खुद ही करने लगेंगे। इस महामारी के दौरान आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी सेहत खतरे में पड़ जाए। इस समय वायरस किसी भी सतह पर रह सकता है, ऐसे में चेहरे पर हुए मुहासों को बार बार छूने से संक्रमण का खतरा हो सकता है। नंबर तीन, बालों को उंगलियों में लपेटना। अगर आपको अपने बालों को उंगलियों में घुमाने की आदत है तो इसे भी अभी छोड़ दें, खासतौर से अगर आपके बाल लंबे हैं तो। अगर बाल किसी भी तरह गंदी सतह से छू जाते हैं तो आपकी इसकी आदत की वजह से वायरस आपके हाथों में आ सकता है। नंबर चार, बेडशीट नहीं धोना। अगर आप अपनी बेडशीट दो हफ्तों में धोते हैं तो इस आदत को बदलने की जरूरत है। वायरस सतह पर कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, इसलिए शरीर के संपर्क में आने वाले कपड़ों को नियमित रूप से धोते रहें। नंबर पाँच, बाथरूम के वॉश बेसिन पर टूथब्रश रखना। हो सकता है कि आप दांतों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन एक गलत आदत आपको बीमार बना सकती है। कुछ लोगों को बाथरूम के वॉश बेसिन के पास फ्लैट तरीके से टूथब्रश रखने की आदत होती है, वायरस सतह पर कई दिनों तक रहता है। फ्लैट ब्रश रखने से वो आपके मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है। नंबर छह, उंगली से दांतों को साफ करना। खाते समय कई बार कुछ चीजें दांतों में फंस जाती है, अगर आप भी अपने हाथों से उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं तो सावधान हो जाएं, आपके हाथ में वायरस या अन्य कीटाणु हो सकते हैं। नंबर सात, खाना शेयर करना। यह महामारी एक दूसरे से फैल रही है, ऐसे में अगर आपको खाना शेयर करके खाने की आदत है तो संभल जाएं, वायरस खाना पानी और बर्तन शेयर करने से भी फैल सकता है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।